लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज भी बारिश हो रही है। बारिश का कहर यहां पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। ठाणे, रत्नागिरी, पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे और पालघर में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही बारिश के बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। ज्यादा प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगातार जमीन खिसकने की खबरें सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखिए किस तरीके से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उस बीच आप देखिए कि किस तरीके से उफनते नाले में कुछ बच्चे फंस गए, जिन्हें वहां के जो लोग हैं उन्होंने जान जोखिम में डालकर उनको रेस्क्यू किया। और देखिए, अब आपको महाराष्ट्र के पालघर से तस्वीर दिखाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पालघर में बारिश की वजह से कई गांव डूब गए। कई गांव का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से डूब गया है। स्कूल के घर जा रहे दो बच्चे नदी में भी फंस गए और जिन्हें गांव वालों ने किसी तरह से बचा लिया। पालघर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें बेहद डराने वाली। दो बच्चे किस तरीके से इस नदी में डूब गए थे, जिसके बाद गांव वालों की मदद से इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं ये उफनते नाले में फंस गए। पालघर महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। यहां पर आज भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट इन तमाम इलाकों में किया गया है। लेकिन तमाम जो गांव के लोग थे उन्होंने सुरक्षित इन दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। देखिए कई गांव में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कोल्हापुर के देवावाड़ी गांव में नदी में फंसे एक शख्स को बचा लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने बीच नदी में फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर देखिए एनडीआरएफ जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और अब आपको महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश से जगह जगह पर पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से ठाणे में सड़कें डूब गई हैं, ऑटो और गाड़ियां भी खराब हो गई हैं, जिन्हें लोग पानी के बीच धकेलते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में अब भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसीलिए एहतियातन आपको बता दें कि ठाणे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तेलंगाना की कुछ तस्वीरें। तेलंगाना के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए लगातार बारिश के कारण स्वर्ण परियोजना और कदम परियोजना में भारी बाढ़ का पानी आ गया, जिसके बाद यहां पर प्रशासन ने बांध के गेट खोल दिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के, जहां पर देखिए बांध के गेट खोलने पड़े क्योंकि बाढ़ का पानी आ गया था, जिसकी वजह से ये बाढ़ का पानी जो है वो निचले इलाकों में जा सकता था। ऐसे में इन गांवों को बचाने के लिए सुरक्षा के तौर पर इन बांध के गेट को खोल दिया गया है। तो तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लेकिन देखिए बारिश किस तरीके से वहां पर लगातार हो रही है कि बांध के गेट यहां पर खोलने पड़े। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का खतरा जो है तेलंगाना के कई इलाकों में बढ़ सकता है। और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पर किस तरीके के हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ बाढ़ का कहर, दूसरी तरफ बारिश। तो कई ऐसे इलाके हैं, महाराष्ट्र हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, तेलंगाना हो, पहाड़ी इलाके हो, हर तरफ फिलहाल जो है पानी का कब्जा नजर आ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की जिंदगियां जो है वो मुश्किल से व्यतीत हो रही है। ले गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो लोग सही वक्त पर वहाँ से भाग निकले और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से वहाँ के कई घरों को भी नुकसान पहुँचा। और उधर तेलंगाना के वरंगल में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब 6 लोग नदी में अचानक से ही पानी बढ़ने से फंस गए। और इस खौफनाक मंजर को देखकर वहाँ लोगों की सांसें थम गई।
क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से चट्टाने खिसक कर नीचे की